ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस मैं आपको एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करनी है वाली फोटो, तो गाइस आप लोग कोई भी पार्ट मिस मत करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। तो यहां से मैं गाइस पहले मॉडल को फटाफट ऐड कर लेता हूं। एंड गाइस मैंने यहाँ पे मॉडल को जो अपना ऐड कर लिया, अब गाइस इसमें जो है मेरे को कुछ पार्ट जो है मेरे इरेज करने को भी रह रहा है, तो गाइस मैं उसको यहाँ पे पहले फटाफट इरेज कर लेता हूँ, देन आपको आगे बताता हूँ कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, तो उसको इरेज करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं इरेजर टूल में जाऊँगा, इरेजर टूल में जाकर जो है हार्डनेस ओपेसिटी बढ़ा के इसको फटाफट से इसको इरेज कर लूँगा। तो ठीक है, तो गाइस मैं इसको फटाफट करता हूँ, देन आपको आगे बताता हूँ आपको आगे करना क्या। ओके गाइस सो इतना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब गाइस हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हम जो वॉल्फ है हमारा व्हाइट कलर का, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड गाइस इसको पीएनजी जो है गाइस आपको कैसे लगाना वो मैं बता देता हूँ। आप जब इसको गाइस ऐड करोगे तब गाइस आप सभी को क्या करना है, आपको जाएगा जिसको जिस टाइप से ऐसे रोटेट कर लेना, एंड उसका जो मुंह वाला है जो एरिया इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से रख देना है। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप इसको जब रखोगे तो गाइस आपको जो थोड़ा सा इसमें एरिया भी इरेज करना है, वो कौन सा वाला एरिया इरेज करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको इरेजर टूल में जाना पहले तो, एंड यहाँ पे जो इसका थोड़ा साइज बढ़ा के एंड जो हार्डनेस इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जो साइड में ये वाला एरिया ना ये वाला आपको यहाँ पे इरेज कर देना है थोड़ा थोड़ा, बस बिल्कुल इतना इतना। ठीक है, एंड उसके बाद आपको डन कर देना है, देन उसके बाद आपको इसमें और भी कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे साइज वाइज जो है अपने हिसाब से देख लेना, कहीं कोई हिस्सा रहना जाए। ठीक है, इस तरीके से रखना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली करना है कि आप लोग यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो कर देना है डन। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक पार्टिकल का पीएनजी भी ऐड करना है। ठीक है, तो वो बिल्कुल मत भूलना लगाना। ठीक है, तो अभी हम ऐड फोटो में चलते हैं एंड उसको हम ऐड करते हैं। तो ऐसे मैंने इसको ऐड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। ठीक है, तो अब गाइस देखिए इसको आपको लगाना कैसा वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से पहले पीएनजी ले लेते हैं हम, सो हमने पीएनजी ले लिया। अब गाइस यहाँ पे हम चलते हैं ऐड कर लेते हैं इसे। अब गाइस देखिए इसको लगाना कैसा वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली ब्लेंडिंग मोड में जाना है एंड इसको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन कर देने के बाद जो आपको कुछ इस टाइप से इसको जो मतलब कि साइज है जो इंक्रीज करना है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा जो है मतलब ब्लर टाइप में दिखने लगेगा, आप ज़्यादा मतलब कि जूम करोगे ना तो ब्लर ब्लर सा दिखने लगेगा, तो आपको इतना साइज रखना है इसका। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली करना आपको अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है, एंड उसके बाद आपको अपनी इस फोटो को यहाँ पे कर लेना सेव। सेव इसलिए कर लेना गाइस क्योंकि हम इसे रिटच करके और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाएंगे, तो अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में गाइस हमने इस फोटो को ऐड कर रखा है पहले से, तो हम डायरेक्ट जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर देंगे, एंड यहाँ पे जो हाईलाइट है इसको भी यहाँ पे कम कर देंगे, एंड जो शेडो है इसको भी हल्का सा माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे व्हाइट व्हाइट को जो व्हाइट ब्लैक है जो इसको कम कर देंगे, एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे हम हल्का सा जो है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद हम ऐसे जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद यहाँ से हम वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, एंड जो फोटो का टेम्परेचर है इसको कम कर देंगे, एंड चले जाएंगे कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना येलो कलर में। जैसे ही गाइस येलो कलर है नहीं हमारी फोटो में, सैचुरेशन मैनेज कर देंगे, ग्रीन का भी सैचुरेशन मैनेज कर देंगे। फिर जाएंगे हम ऑरेंज कलर में। जैसे ही गाइस फेस का कलर हमारा यहाँ से सैचुरेशन थोड़ा मैनेज करके ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, तो सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको मैं कम कर लेता हूँ। फिर जाएंगे डार्क ब्लू में, एंड उसके बाद फोटो हमें ब्लू टोन चाहिए तो हम इसका जो है सैचुरेशन इसको इंक्रीज कर देंगे एंड कर देंगे डन। फिर उसके बाद जाएंगे कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में, एंड उसके बाद हम यहाँ पे शेडो में जाकर आपको जो पहले इसका सैचुरेशन बढ़ाना है एंड इसको ले जाना आपको यहाँ पे ब्लू टोन में। ठीक है, ह्यू को ले जाना ब्लू टोन में। फिर आपको चले जाना पे मिड टोन में, मिड टोन में जाने के बाद आपको इसका सैचुरेशन इंक्रीज कर देना है, एंड इसे भी ले जाना आपको येलो और ब्लू टोन में। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा हाईलाइट्स, हाईलाइट्स को जो है जहाँ पे आपको सैचुरेशन इंक्रीज करना है एंड इसको रखना आप सबको ग्रीन कलर को रखना है आपको यहाँ पे ब्लू एंड यहाँ पे ग्रीन के बीच में। ठीक है, एंड उसके बाद कर देना आप सभी को अपनी फोटो को डन। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से चले जाना नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी, फोटो में नोड रिडक्शन बढ़ा देना है, नीचे मिलेगा कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।